Good morning, students. Hope you all are fine and studying well. You all are paying attention. You are listening properly to all the videos, and you are very sincerely attending online classes. You are doing, completing your assignments. So please keep doing all these things. So we started with the chapter, the judiciary, and I did all these things. That is, what are the types of cases? What is Supreme Court? What is the original jurisdiction? The appellate jurisdiction, advisory jurisdiction. Why do we call it as court of records? Why it is called as guardian of the Constitution, guardian of fundamental rights? What is the eligibility for a person to become a judge of the Supreme Court? What is their tenure? Then we talked all about High Court and what is the qualification needed. We also discussed about subordinate courts. Now we will talk about Lok Adalats and public interest in litigation. In recent year, Lok Adalats have been introduced. Lok Adalat, Janta Ki Adalat. They have been introduced for providing fast and affordable justice to the poor and the underprivileged. Lok Adalat, ek court ke andar hi system set up hota hai. Jo bhi aapke petty disputes hain, जिसमें आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रेडी हैं. यस, दिस इज द पॉइंट. इफ़ यू आर रेडी फॉर अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने उसको सेटल कर लीजिए लोक अदालत में. ओके, अगर आपका कोई केस जुडिशरी में, प्रॉपर जुडिशरी स्ट्रक्चर में भी चल रहा है, तो आप वहाँ से उसको लोक अदालत में शिफ्ट करा सकते हैं, इफ़ यू आर रेडी फॉर अ म्यूचुअल सेटलमेंट और अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ओके, कोई पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, आपको कुछ कॉम्पनसेट करके, चलो ठीक है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, आप उसको लोक अदालत में सेटल कर सकते हैं. सिविल केसेस सेटल हो सकते हैं. ओके, अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रेडी हैं कि ठीक है, चलो बहुत टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है जुडिशियल प्रोसेस में, हम इसको लोक अदालत में इस डिस्प्यूट को खत्म करते हैं. वट इज़ अ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है, अगर आपको लगे कि कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उसमें अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, और कोर्ट भी PIL को तभी एक्सेप्ट करता है जब उन्हें ये लगता है कि इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है. जैसे मान लीजिए, यू स्टे इन अ कॉलोनी ए, और आप कहीं जाते हैं कॉलोनी बी में, और आप देखते हैं कि वहाँ पर मोबाइल टावर लग रहा है, तो आपका तो कोई लेना देना नहीं है, बट आपको पता है कि इस मोबाइल टावर से जो रेडिएशन एमिट होंगे, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द पीपल. सो यू कैन फाइल अ PIL दैट इन रेजिडेंशियल एरियाज यू कैन नॉट सेटअप अ मोबाइल टावर. तो इसको कहा जाएगा PIL. या अगर आप कहीं जाते हैं किसी एरिया में और वहाँ देखते हैं कि चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या बोलता है? चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, ना कि काम करना है. तो ये अगेन आप PIL फाइल कर सकते हैं कि सच एंड सच ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि वहाँ बच्चों से काम कराया जा रहा है. तो इन दैट केस आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी? इट गारंटीज जस्टिस टू द सिटीजन. अगर आपको कहीं से जस्टिस नहीं मिल रहा है, प्लीज़ गो टू द जुडिशियल सिस्टम. इट कीप्स अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. कैसे? अगर गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाती है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको स्टडी करे कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है. और जैसे ही ऐसे पता चलेगा, क्या होगा? द लॉ वुड बी कंसिडर्ड इनवैलिड. इट सेफगार्ड्स द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री. फेडरल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो ये कैसे फेडरल गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है? अगर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट. सो इट रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट. इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है. एंड इट एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नो लॉ कैन बी मेड विच इज़ नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिपेंडेंट जुडिशरी. Why do we call it as independent? अगर हम इनको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, इनको पावर नहीं देंगे, तो ये हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रोल में रहेंगे. और अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रोल में रहेंगे, तो ऑफकोर्स ये फियरलेसली काम नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ द रीज़न दैट जुडिशरी इज़ नीदर अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर नॉर अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और ना ही ये उनके कंट्रोल में रहते हैं. इनका अपॉइंटमेंट ज़रूर प्रेसिडेंट करते हैं, बट इनका जो रिमूवल है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इनको रिमूव करना आसान नहीं है. इट इज़ इक्विवेलेंट टू इम्पीचिंग अ प्रेसिडेंट. और इनके रिमूवल को भी इम्पीचमेंट बोला जाता है. द जजेस आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स पीरियड. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, इनके जो इमोल्यूमेंट्स हैं, इनकी जो सैलरी है, जो सर्विस कंडीशन है, वो बिना किसी अमेंडमेंट के ना चेंज किया जा सका है, ना रिड्यूस किया जा सकता है. क्यों? ताकि ये फियरलेसली काम कर सकें. सो आई एम डन विद द चैप्टर. देर वॉज नथिंग मच लेफ्ट. वी आर ओनली लेफ्ट विद टू टॉपिक्स, लोक अदालत एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन.
importance of judiciary and independent judiciary. So why it has been kept independent? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हाई कोर्ट के जजेस को आउट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल रखा गया है? सो दैट दे कैन वर्क फियरलेसली. अगर इनको कंट्रोल में रखेंगे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही किसी का कंप्लेन है तो ये तो कभी उनके अगेंस्ट वर्डिक्ट देंगे ही नहीं, क्योंकि इनको तो डर होगा कि हमें कभी भी हटा देंगे, हमें कभी भी रिमूव कर देंगे. इसलिए इनके रिमूवल के प्रोसेस को इतना स्ट्रिक्ट रखा गया है. नाउ व्हाट इज योर पार्ट? What is your part now? Now what you are going to do? You are going to revise the entire lesson. You are going to write the meanings in your notebook. And whatever the questions are there, you will find, you will try to find the answers to it. And you will write it in your rough notebook. In the online session, we will discuss the answers. And then you will pare it down in your fair notebook. So I hope you people have understood the lesson well. Thank you. We'll meet again in the next lecture.